रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ मैच शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही सीएसके को मिली तीन बड़ी खुशखबरी। जानेंगे पूरी खबर, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हरा देगी तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आईपीएल 2022 से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स का पांचवा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ होने वाला है। चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी तक अपने चारों ही मुकाबलों में हार का सामना किया है। इसी वजह से चेन्नई की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ शानदार तरीके से वापसी करना चाहेगी। आरसीबी के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले तीन बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। पहली अपडेट दीपक चाहर को लेकर के है। दीपक चाहर अब पूरी तरह से आईपीएल में खेलने के लिए तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो अगले एक हफ्ते में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर दूसरी बड़ी अपडेट तेज गेंदबाज एडम मिलने को लेकर के आ रही है। एडम मिलने दूसरे मुकाबले के बाद से नहीं खेले हैं क्योंकि वो चोटिल हो गए थे। एडम मिलने अब पूरी तरह से फिट हैं और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। निश्चित तौर पर एडम मिलने की वापसी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक अच्छी खबर है। यहां पर तीसरी बड़ी अपडेट राजवर्धन हेंगरगेकर को लेकर के आ रही है। राजवर्धन हेंगरगेकर शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। नेट प्रैक्टिस के दौरान वो तेज तर्रार गेंदबाजी करते हुए नजर आए। इसके अलावा उन्होंने बल्ले से भी रन बनाए हैं। आपको बता दें आरसीबी के खिलाफ शिवम दुबे की जगह राजवर्धन हेंगरगेकर को प्लेइंग 11 में मौका दिया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स आरसीबी को हरा पाएगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।